नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति को मन हुआ कि विदेश में जाके पैसा इकट्ठा करे, व्यापार करे, गर्भवती पत्नी को छोड़ के चला गया, सहमति से गया कि मैं कुछ धन इकट्ठा करके लाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए बहुत काम आएगा, और चला गया। खूब सारा धन इकट्ठा किया, धीरे 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 एक बड़ा धनी सेठ बन गया उस देश का। और 17 साल बीत गए ऐसे ही। अब उसकी वापिस आने की इच्छा हुई, अपनी पत्नी को एक खत लिखा और जहाज में बैठ गया। जहाज में बैठा, सामने एक उदास सा खिन्न सा व्यक्ति बैठा था। इसने पूछा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप बहुत बीमार से लग रहे हैं। उसने बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे देश पसंद नहीं आया, यहाँ पे व्यापार नहीं हो पाया मेरा। वो बोले, मैंने तो यहीं से सब कमाया है, मेरा मैं तो अच्छा व्यापारी हूँ यहाँ का। मुझे बोलिए, मैं इस कर्म भूमि की अपमान, इस कर्म भूमि का अपमान होते नहीं देख सकता, आप मुझे बताइए। उन्होंने बोला, मैं ज्ञान सूत्र बेचता हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं खरीदा। वो बोले, मुझे दे दीजिए, मैं ले लूंगा। उन्होंने बोला, 500 स्वर्ण मुद्राओं का एक एक ज्ञान सूत्र है। महंगा लगा उनको, लेकिन कर्म भूमि का मान रखना था, इसलिए स्वर्ण मुद्राएं दे दी 500, और एक उन्होंने ज्ञान सूत्र की सीट पकड़ा दी, जिसपे लिखा था, कभी भी जब आप क्रोधित हो या कुछ भी काम करने से पहले 2 मिनट मौन रहें, 2 मिनट चुप हो जाएं। इन्होंने किताब में रख लिया कि 500 स्वर्ण मुद्राओं का ये मुझे सूत्र मिला है। तो अब वो जब घर पहुंचे, जहाज रुका, घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। दरबान को मौन रहने का इशारा किया, बोले, मैं सीधा पत्नी के कक्ष में जाऊंगा और उसको सरप्राइज दूंगा। जब वो पत्नी के कक्ष में पहुंचे तो ये क्या, पत्नी के बगल में एक नौजवान पुरुष सो रहा था। बोले, मैं इसके बारे में पल पल क्षण क्षण सोचता रहा और ये ऐसे मेरे साथ इतना बड़ा छल। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, दोनों को मार डालूंगा। और उनको ज्ञान सूत्र याद आ गया, 500 रुपए स्वर्ण मुद्राएं याद आ गई, तलवार नीचे कर दी। जैसे तलवार नीचे की, पीछे बर्तन से टकराई और छन छन खन खन की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। पत्नी ने देखा, अरे वो इतनी खुश हुई अपने पति को पाके, उनसे लिपट गई, आप आ गए, आपके बिना पूरा घर सूना, पूरा घर अधूरा। पति ने युवक की तरफ देखा, पत्नी ने जगाया, बेटा उठो, पापा आए हैं, तुम्हारे पिताजी आए हैं। वो बेटा भी जल्दी से उठा और जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने लगा, उसकी सिर की पगड़ी नीचे गिर गई और लंबे से बाल। उसने पत्नी ने बोला कि ये आपकी पुत्री है, मैं आप पिता नहीं थे, इसलिए मैंने इसकी सम्मान को कोई आंच ना आए इसको पुत्र बना के ही पाला, तो ये आन बान शान से पुत्रों की तरह ही जीती रही। तो उन्होंने, पति ने दोनों को अपने गले लगा लिया और उस पल को याद करने लगे जब उनको ज्ञान सूत्र मिला था। उस समय उनको महंगी लग रही थी 500 स्वर्ण मुद्राओं का एक सेंटेंस, लेकिन अब उनको इससे सस्ता कुछ नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने निर्दोष परिवार को बचा लिया सिर्फ क्रोध के 2 पलों में मौन रह के। तो दोस्तों, आइए हम एक चीज सीखते हैं कि जब भी क्रोध आए 2 पल के लिए मौन हो जाएं, जब भी कोई काम करने लगे 2 पल के लिए सोचें, जिंदगी में सुखों की बरसात होगी। नमस्कार, जय हिंद।